मुगल, गांधी, आरएसएस तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्होंने अलग अलग तरीकों से भारत के इतिहास को आकार दिया है, लेकिन हाल के दिनों में उनकी भूमिकाओं के चित्रण और व्याख्या को लेकर बहस बढ़ गई है। क्या हम इतिहास की विकृति देख रहे हैं? इस वीडियो में हम इस विषय में गहराई से उतरते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज करते हैं और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार और हमारे इनसाइड इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशन राबदिया है और आज हम भारतीय इतिहास के माध्यम से एक विचारोत्तेजक यात्रा शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रश्न को संबोधित करते हुए शुरू करते हैं, क्या इतिहास को विकृत किया जा रहा है जब यह आता है मुगल, गांधी और आरएसएस? इस बहस को समझने के लिए हमें पहले मुगल युग की जांच करनी चाहिए। मुगल एक शक्तिशाली राजवंश थे जिन्होंने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि हाल के दिनों में कुछ आलोचकों का तर्क है कि मुगलों को रुमानियत दी जा रही है, जबकि अन्य का दावा है कि उन्हें राक्षसी बनाया जा रहा है। तो सच्चाई कहाँ है? मुगल साम्राज्य निस्संदेह एक जटिल इकाई था। इसमें परोपकारी शासकों का उचित हिस्सा था जिन्होंने कला, साहित्य और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। हालांकि ये क्रूरता और जबरन धर्मांतरण के उदाहरणों को भी देखा। समस्या तब पैदा होती है जब इतिहास को कम किया जाता है। सरल आख्यानों के लिए या तो मुगलों का महिमामंडन या तिरस्कार करना। उनकी विरासत को समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जबकि मुगलों की उपलब्धियों को स्वीकार करना आवश्यक है, हमें नकारात्मक पहलुओं को भी पहचानना चाहिए। इतिहास को एक महत्वपूर्ण लेंस के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे लोगों को एक सूचित परिप्रेक्ष्य मिल सके। विरूपण तब होता है जब कुछ तथ्यों को चुनिंदा रूप से उजागर किया जाता है या छोड़ दिया गया। भारतीय राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी की ओर बढ़ते हुए अहिंसा और सविनय अवज्ञा के उनके दर्शन ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि गांधी की विरासत को हाल के दिनों में आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि उन्हें आदर्श बनाया जा रहा है, जबकि अन्य दावा करते हैं कि उनकी खामियों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। गांधी's philosophy। गांधी निर्विवाद रूप से एक महान नेता थे, लेकिन वह अपनी कमियों के साथ एक इंसान भी थे। उनके योगदान और उनकी सीमाओं दोनों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उन्हें देवता या बदनाम करके हम इतिहास को विकृत करने का जोखिम उठाते हैं। लक्ष्य होना चाहिए एक संतुलित आकलन में संलग्न होने के लिए जो उनकी खामियों को स्वीकार करते हुए उनके प्रभाव को पहचानता है। इतिहास की विकृति कोई हाल की घटना नहीं है। समय के साथ विभिन्न एजेंडे के अनुरूप कथाओं को आकार दिया गया है और फिर से आकार दिया गया है। ये हम पर निर्भर है कि हम व्यक्ति के रूप में हमें प्रस्तुत की गई जानकारी की गंभीर रूप से जांच करें। बिल्कुल, हमें विविध प्रकार की आवाजों और व्याख्याओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इतिहास एक जीवित विषय है जो लगातार नए दृष्टिकोण और सबूत उभरने के रूप में विकसित हो रहा है। अब अपना ध्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर केंद्रित करें, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जो भारतीय राजनीति में प्रभावशाली रहा है। आरएसएस की सामाजिक सेवा पहलों के लिए दोनों की प्रशंसा की गई है। आरएसएस की सामाजिक सेवा की पहल के लिए प्रशंसा की गई है और इसकी विचारधारा के लिए आलोचना की गई है, जिसे कुछ लोग विभाजनकारी मानते हैं। इसने इस बहस को जन्म दिया है कि क्या आरएसएस के इतिहास और प्रभाव को विकृत किया जा रहा है। आइए इसे आगे देखें। आरएसएस ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समर्थकों का तर्क है कि यह सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रवाद और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि संगठन की विचारधारा बहुसंख्यकवाद और विशिष्टता की ओर झुकती है। यहाँ मुख्य बात आरएसएस का निष्पक्ष विश्लेषण करना है, इसके सकारात्मक योगदान को स्वीकार करते हुए बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर करना है। जब आरएसएस की बात आती है तो व्यक्तिगत कार्यों और संगठन की सामूहिक विचारधारा के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। इतिहास को विकृत किया जा सकता है जब हम पूरे संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ सदस्यों के कार्यों का सामान्यीकरण करते हैं। संतुलित बनाए रखना आवश्यक है। परिप्रेक्ष्य और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से अलग तथ्य। साकि हम देख सकते हैं, मुगलों, गांधी और आरएसएस के आसपास की बहस जटिल और बहुआयामी है। इतिहास एक स्थिर कथा नहीं है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों, व्याख्याओं और पूर्वाग्रहों से बुना हुआ टेपेस्ट्री है। तो हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं ये जटिलताएं? इतिहास की अधिक सटीक समझ सुनिश्चित करने के लिए हमें महत्वपूर्ण सोच, विद्वतापूर्ण शोध और खुले संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई दृष्टिकोणों की तलाश करके, प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करके और कथाओं पर सवाल उठाते हुए हम अतीत की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित कर सकते हैं। इतिहास को कभी भी एक एकल आख्यान या एजेंडा के प्रचार का साधन नहीं होना चाहिए। आइए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों के संतुलित और समावेशी चित्रण के लिए प्रयास करें।
जटिलताओं और विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने अतीत से सीख सकते हैं। निष्कर्ष में, मुगलों, गांधी और आरएसएस के बारे में इतिहास को विकृत किया जा रहा है या नहीं, इस बारे में बहस एक महत्वपूर्ण है। जिम्मेदार शिक्षार्थियों और नागरिकों के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम आलोचनात्मक विश्लेषण करें, अत्यधिक सरलीकरण को अस्वीकार करें और गले लगाएं ऐतिहासिक संवाद की समृद्धि। ऐसा करके हम अपनी साझा विरासत की अधिक सटीक और व्यापक समझ सुनिश्चित कर सकते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। अगली बार तक सवाल करते रहें, सीखते रहें और इतिहास की आकर्षक दुनिया की खोज करते रहें। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 2 कमिंग सून।